नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और आज जीएसटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। कल शाम को 25 अगस्त 2020 को रात को लगभग 10 बजे की बात होगी, ये नोटिफिकेशन हमारे सामने आया 63/2020 सेंट्रल टैक्स का। महीनों से जिस बात का इंतजार था, 36 महीनों से जिस बात की परेशानी हमारे सामने पूरे सब स्टेक होल्डर्स के साथ चल रही थी हमारी अर्थव्यवस्था में, जीएसटी में, वो था ब्याज की। इंटरेस्ट जो है सेक्शन 50 में चार्ज किया जाता है 18% पर, क्या वो ग्रॉस टैक्स पर लगेगा या नेट टैक्स पर लगेगा। 1 अगस्त 2019 से फाइनेंस एक्ट नंबर 2019 एक्ट से इसमें एक प्रोविजो ऐड किया जिसमें सरकार ने यह कहा कि यह नेट लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा, जो कि आप नेट लायबिलिटी थ्रू कैश लेजर पे करते हैं। अगला सवाल यह आता था कि क्या यह रेट्रोस्पेक्टिवली होगा या प्रोस्पेक्टिवली होगा, लेकिन 1 अगस्त 2019 के बाद इस कानून को लाया गया कानून में, लेकिन ऑपरेशनल नहीं किया गया क्योंकि सभी स्टेट SGST एक्ट में भी इनको अप्रूव करना था, अडॉप्ट करना था सब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने, इसलिए ये नहीं लाया गया अब तक। 14 मार्च 2020 को लॉकडाउन से कुछ दिन पहले 39वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, वहां पर काउंसिल ने अपनी विजडम के अनुसार ये डिसाइड किया कि ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजो जो है, ये रेट्रोस्पेक्टिवली लगना चाहिए, मतलब अपॉइंटेड डे से आना चाहिए, 1 जुलाई 2017 से आना चाहिए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, कुछ नहीं हो पाया। कल शाम को 25 अगस्त को 63/2020 से सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन से इस डेट की ऑपरेशनल डेट डिसाइड की गई और वो डिसाइड की गई 1 सितंबर 2020। दोस्तों फिर वही परेशानी कि 1 सितंबर 2020 से ये आया है तो जो पुराने जो 320 डिलेड फाइल हुए हैं उनके ऊपर जो टैक्स बनता होगा उसके ऊपर ब्याज जो है वो ग्रॉस लिया जाएगा या नेट लिया जाएगा। इसके लिए सब बहुत सारी बातें कर रहे थे कि जीएसटी काउंसिल ने कहा, सब बहुत पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑफिसर्स ने कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, लेकिन ये फिर भी प्रोस्पेक्टिवली नजर आ रहा है 1 सितंबर 2020 से। आज शाम को 26 अगस्त को एक प्रेस रिलीज निकाली सीबीआईसी ने और उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ टेक्निकल लिमिटेशंस हम इसको प्रोस्पेक्टिवली निकाल रहे हैं अभी, लेकिन हम आपको श्योर करते हैं कि कोई पास्ट रिकवरी ग्रॉस टैक्स पर आपके लिए नहीं होगी। वेलकम स्टेप था इस प्रेस रिलीज को। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऑफिसर्स कई बार इन प्रेस रिलीजेस को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो मेयरली इसको इंफॉर्मेटरी मानते हैं, बाइंडिंग नहीं लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एट दिस जंक्चर दिस प्रेस रिलीज हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन, अ पर्टिकुलर सिग्नल बाय द सीबीआईसी दैट नो पास्ट रिकवरीज ऑन ग्रॉस टैक्स shall be forcefully recovered. And let me tell you, my dear friends, for recovery of this interest under Section 50, the department, the government has to initiate a separate adjudication proceedings under Section 73 or 74 of the CGST Act. Department cannot directly recover the interest portion on the late 3B filed, even on the net tax liability, directly under Section 79 recovery, or it cannot directly attach your bank account also under Section 83 LC Infra Projects recent 2019 Karnataka High Court judgment also has said the same thing. Even various other judgments of Jharkhand High Court, Madras High Court have said the same thing. For the recovery of interest also on the net tax liability, separate show cause has to be initiated. I hope आपको इन सब बातों से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपके लिए काम आएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।